बनवारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। आपकी शिक्षाएं बाबा हमको लगती प्यारी है, लगती प्यारी है। ज्ञान के चंदन से खुशबू मन को सुख शांति से भरती है। मीठी मुरली की धुन मेरा मन आनंदित करती है। पावनता की खुशबू मन को सुख शांति से भरती है। ज्ञान सूर्य की किरणों से हुई बगिया उजियारी है, बगिया उजियारी है। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। ज्ञान के चंदन शांति। सभी एक व्रता व्यर्थ मुक्त बेहद के वैरागियों को सोमवार की गॉडली मॉर्निंग। अपने पूरे जीवन में मनुष्य कमाई के लिए कितनी मेहनत करता है, स्थूल धन के लिए लगा रहता है। वर्तमान और भविष्य की चिंता में अपने स्वास्थ्य को भी दांव पर लगा देता है। जो कमाता है वो सब फिर बीमारियों पर खर्च हो जाता है। यही देख रहे हैं ना हम अपने आसपास। तो आज बेहद के बाप हमें समझाते हैं कि हम बेहद की सच्ची अविनाशी कमाई कैसे करें, उसे कैसे हम इंश्योर कर सकते हैं, अपने तन मन को स्वस्थ हम कैसे रखें। आज 20 नवंबर 2023 की साकार मुरली में हम जानेंगे ये सब नुस्खे और इंश्योरेंस पॉलिसी। बाबा आज पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का भी कनेक्शन समझाते हैं। धारणा के भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो रिफाइन बुद्धि से समझेंगे ये गुह्य ज्ञान। 20 नाखूनों का जोर लगाकर ज्ञान स्वरूप धारणा स्वरूप बनने के लिए लेते हैं खुशबू कस्तूरी समान खुशबूदार नॉलेज की। मीठे बच्चे एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनने के लिए तुम अभी डायरेक्ट अपना तन मन धन इंश्योर करो। इस समय ही यह बेहद का इंश्योरेंस होता है। 100 साल के लिए खुली है ये बेहद की इंश्योरेंस कंपनी, जिसकी पॉलिसी क्या है, अभी इंश्योर करो और जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के
बाद भी 2500 साल के लिए आपको इसका रिटर्न मिलेगा 21 जन्मों के लिए। क्या करना पड़ेगा? बाबा कहते हैं अपनी BMW को इंश्योर करो, बॉडी माइंड वेल्थ बाबा के यहाँ पार्क कर दो। अपना डायरेक्ट इंश्योरेंस करना है, डायरेक्ट अभी भगवान के साथ, भगवान के पास, भगवान को देना है। कोई भी एजेंट नहीं है, कोई भी मीडिएटर नहीं है, डायरेक्ट बाबा के पास हमें अपना तन मन धन इंश्योर करना है। क्या मिलेगा? बाबा कहते हैं एवर हेल्दी एवर वेल्दी बन जाएंगे, 21 जन्मों के लिए निरोगी काया, मन एकदम पवित्र और स्थूल धन भी अकिचार होगा। तो इस समय ही ये बेहद का इंश्योरेंस है। तो समझदारी किस में है? ये पॉलिसी हम ले लें। बाबा कहते मीठे बच्चे, एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनने के लिए तुम अभी डायरेक्ट अपना तन मन धन इंश्योर करो, इस समय ही यह बेहद का इंश्योरेंस होता है। प्रश्न है, आपस में एक दूसरे को कौन सी स्मृति दिलाते उन्नति को पाना है? एक दूसरे को क्या याद दिलाए कि सभी की उन्नति हो, हमारी भी और अन्य आत्माओं की भी? बाबा उत्तर में बताते, एक दूसरे को स्मृति दिलाओ कि अब नाटक पूरा हुआ, वापस घर चलना है, सबको चलना है ना। अनेक बार यह पाठ बजाया, 84 जन्म पूरे किए, अब शरीर रूपी वस्त्र उतार घर चलेंगे, अपने स्वीट होम आत्मा वापस जाएगी। यही है तुम्हारी रूहानी सोशल वर्कर की सेवा। तुम रूहानी सोशल वर्कर सबको यही संदेश देते रहो कि देह सहित देह के सब संबंधों को भूल बाप और घर को याद करो, बाबा और घर को याद करो। और यथार्थ याद क्या है? घर में बाबा को याद करो, स्वीट होम में, परम धाम में शिव बाबा को याद करो। बाबा कहते हैं एक दूसरे को स्मृति दिलाओ कि अब तो ये नाटक खत्म, अब ये शरीर रूपी वस्त्र चेंज करना है, छोड़ना है यहीं पर। और जैसे नंगी आत्मा आई वैसे हमें वापस नंगे घर जाना है, अंग अब यहीं छूट जाना है, पॉइंट ऑफ लाइट आत्मा आई ना, तो आत्मा को अब अशरीरी बनकर घर जाना है। ये है हम रूहानी सोशल वर्कर की सेवा। गीत बजा। शांति। जहाँ गीता की पाठशालाएं होती हैं वहाँ अक्सर करके यह गीत गाते हैं। गीता सुनाने वाले पहले यह श्लोक गाते हैं, यह जानते तो नहीं हैं कि किसको बुलाते हैं। बाबा तो आकाश के भी उस पार है ना, आकाश के उस पार भी आकाश है, तो वो जानते नहीं किसको बुला रहे हैं, कहाँ से बुला रहे हैं, वो कहाँ रहता है। वो तो आकाश सिंहासन छोड़कर आ जा ऐसा पुकारते हैं। तो इस समय धर्म ग्लानी है। कैसे है धर्म ग्लानी? बाबा कहते पहले है प्रार्थना, फिर वह रिस्पॉन्स करते हैं आओ, फिर से आकर गीता ज्ञान सुनाओ, क्योंकि पाप बहुत बढ़ गए हैं। वह फिर रिस्पॉन्स करते हैं कि हाँ, जबकि भारत के लोग पाप आत्मा दुखी बन जाते हैं, धर्म ग्लानी हो पड़ती है, तब मैं आता हूँ। बाबा कहते हैं जब हर एक आत्मा पतित हो जाती है, धर्म की अति ग्लानी हो जाती है,
तब मैं आता हूँ। स्वरूप बदलना पड़ता है, जरूर मनुष्य तन में ही आएंगे, रूप तो सब आत्माएं बदलती हैं। कैसे बदलती हैं? तुम आत्माएं असल निराकारी हो, फिर यहाँ आकर साकारी बनती हो, मनुष्य कहलाती हो, मनुष्य है ना। देखो मन के वश में हो गए तो मनुष्य। अभी मनुष्य पापात्मा पतित हैं तो मुझे भी अपना रूप रचना पड़े। जैसे तुम निराकार से साकारी बने हो, मुझे भी बनना पड़े। साकारी को समझाने के लिए साकार होना पड़ेगा ना। तो बाबा कहते हैं कि जैसे तुम साकारी से बात करने के लिए मुझे भी निराकार से साकार बनना पड़ता है, जैसे तुम भी निराकार से साकार बने हो। तो इस पतित दुनिया में तो श्री कृष्ण आ न सके, वह तो है स्वर्ग का मालिक। समझते हैं श्री कृष्ण ने गीता सुनाई, परंतु श्री कृष्ण तो पतित दुनिया में हो न सके। उनका नाम रूप देश काल एक्ट सब बिल्कुल अलग है। नाम रूप देश काल कर्तव्य सब बिल्कुल अलग है, यह बाप बतलाते हैं। श्री कृष्ण को तो अपने माता पिता हैं, उसने माँ के गर्भ से अपना रूप रचा। मैं तो गर्भ में नहीं जाता। सबको अंग कहाँ मिलता है? माँ के गर्भ में मिलता है ना, नहीं तो आत्मा तो नंगी आती है नंगी जाती है, न अंगे। तो बाबा कहते हैं मैं तो गर्भ में नहीं जाता, मुझे रथ तो जरूर चाहिए। मैं इनके बहुत जन्मों के अंत के जन्म में प्रवेश करता हूँ। पहला नंबर तो है श्री कृष्ण, इनके बहुत जन्मों के अंत का जन्म हुआ 84वां जन्म, तो मैं इसमें ही आता हूँ। यह अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। श्री कृष्ण तो ऐसे नहीं कहते कि मैं अपने जन्मों को नहीं जानता हूँ। भगवान कहते हैं जिसमें मैंने प्रवेश किया है वह अपने जन्मों को नहीं जानता, मैं जानता हूँ। श्री कृष्ण तो राजधानी का मालिक है। सतयुग में है सूर्यवंशी राज्य विष्णुपुरी। विष्णु कहा जाता है लक्ष्मी नारायण को, जहाँ विष का अणु भी ना हो, विकार भी ना हो, तो विष्णु कहा जाता है लक्ष्मी नारायण को। कंबाइंड स्वरूप है ना, देखो दोनों पवित्र आत्माएं, संपूर्ण पवित्र, 16 कला संपूर्ण। कहाँ भी भाषण होता है तो यह रिकॉर्ड काफी है, क्योंकि यह तो भारतवासी खुद गाते हैं। जब धर्म प्रायः लोप हो जाए तब तो फिर से गीता सुनाऊं, वही धर्म फिर से स्थापन करना है। उस धर्म के कोई मनुष्य ही नहीं है तो फिर गीता का ज्ञान कहाँ से निकला? उस धर्म के कोई मनुष्य ही नहीं है तो फिर गीता का ज्ञान कहाँ से निकला? देखो देवी देवता धर्म तो प्रायः लोप ही हो गया है, तो बाबा आकर गीता का ज्ञान सुनाते हैं। तो बाप समझाते हैं सत्युग त्रेता में कोई शास्त्र आदि होते नहीं, यह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री, इन द्वारा मेरे साथ कोई मिल नहीं सकते। जब तक भक्ति कर रहे हैं, शास्त्र पढ़ रहे हैं, बाबा से मिल नहीं सकते। बाबा अभी आ गए हैं, इसके बाद भी यदि हम भक्ति कर रहे हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, तो क्या हमने बाबा को पूरा पाया, बाबा से पूरा मिलन मना पाए? सोचने वाली बात है। तो बाबा कहते हैं मुझे तो आना पड़ता है, आकर सबको सदगति देता हूँ वाया गति, माना पहले मुक्ति धाम और उसके बाद में जीवन मुक्ति धाम, सबको वापस जाना पड़ता है। गति में जाकर फिर स्वर्ग में आना है, मुक्ति में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आना है। बाप कहते हैं एक सेकंड में जीवन मुक्ति मिल सकती है, एक सेकंड में हम स्वर्ग में जा सकते हैं, स्वर्गवासी, स्वर्ग में बसने वाले, स्वर्ग में रहने वाले। तो गाया हुआ है गृहस्थ व्यवहार में रहते एक सेकंड में जीवन मुक्ति अर्थात दुख रहित। सन्यासी तो जीवन मुक्त बना न सके, वह तो जीवन मुक्ति को मानते ही नहीं। क्यों नहीं मानते? स्वर्ग को नहीं मानते ना, वो क्या कहते हैं, आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, ब्रह्म में लीन हो जाती है, तो वो जीवन मुक्ति को मानते ही नहीं हैं। इन सन्यासियों का धर्म सतयुग में तो होता ही नहीं है, सन्यास धर्म तो बाद में होता है। हाँ, तो सतयुग त्रेता में तो
है ही नहीं ना, तो वो मानते ही नहीं है। इस्लामी बौद्ध आदि यह सब सतयुग में नहीं आएंगे। अभी और सब धर्म हैं, बाकी देवता धर्म है नहीं, वे सब और धर्मों में चले गए हैं, अपने धर्म का पता नहीं है। कोई भी अपने को देवता धर्म का मानते ही नहीं, क्योंकि कर्म ही ऐसे नहीं है, गुण ही नहीं है। तो सोचने में भी लगता है ना कि कहाँ हम, कैसी सोच है हमारी, कैसे कर्म है और कहाँ देवता। तो ख्यालों ख्वाबों में भी नहीं कि हम ही वो देवता थे। जय हिंद कहते हैं, भारत की जय, भारत की खय। कब होती है भारत की जय और भारत की खय, माना हार, कब होती है यह थोड़ी कोई जानते हैं। भारत की जय तब होती है जब राज्य भाग्य मिलता है, जब पुरानी दुनिया का विनाश होता है। खय करता है रावण, जय करते हैं राम। जय भारत कहेंगे, जय हिंद नहीं। अक्षर बदल दिया है, गीता के अक्षर अच्छे अच्छे हैं। अब देखो वापस भारत नाम हो गया ना, तो जय भारत कहेंगे, जय हिंद नहीं। अक्षर बदल दिया है, बाबा कहते हैं गीता के अक्षर अच्छे अच्छे हैं। ऊंचते ऊंचे भगवान कहते हैं, मेरा कोई मात पिता नहीं है, मुझे अपना रूप आपे ही बनाना पड़ता है, मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। श्री कृष्ण को माता ने जन्म दिया, मैं तो क्रिएटर हूँ। ड्रामा अनुसार यह भक्ति मार्ग के लिए सब शास्त्र आदि बने हुए हैं। यह गीता भागवत आदि सब देवता धर्म पर ही बनाए हुए हैं। गीता भागवत आदि सब देवता धर्म पर ही बनाए हुए हैं। देवी देवताओं का ही वर्णन है ना। जबकि बाप ने देवी देवता धर्म की स्थापना की है, वह पास्ट हो गया, फिर फ्यूचर हो गया। तो अभी देवी देवताएं पास्ट हो गए, फिर फ्यूचर होगा ना, वही फ्यूचर होगा, जो पास्ट था वही फ्यूचर होगा। तो देवी देवता फिर से हम बन रहे हैं। आदि मध्य अंत को पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर कहते हैं। इसमें आदि मध्य अंत का अर्थ अलग है, जो पास्ट हो गया वही फिर प्रेजेंट होता है, जो पास्ट की कहानी सुनाते हैं वह फ्यूचर में रिपीट होगी। देखो तभी कहते हैं ना, हिस्ट्री रिपीट्स इट्सेल्फ, तो जो हुआ है वही हो रहा है अभी और फिर वही आगे होगा। मनुष्य इन बातों को नहीं जानते, जो पास्ट होता है उनकी कहानी बाबा प्रेजेंट में सुनाते हैं, फिर फ्यूचर में रिपीट होगी। तो अभी हम देवता बन रहे हैं, पहले हम देवता थे, अभी बन रहे हैं और फिर फ्यूचर में बन जाएंगे। तो पास्ट फिर से रिपीट हो जाएगा, उसका कार्यक्रम कहाँ चल रहा है, अभी वर्तमान संगम युग में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है ना देवी देवताओं की। रिकंस्ट्रक्शन, रिपेयरिंग चल रही है, रेजुविनेट करते हैं बाबा। देखो तो मनुष्य तो इन बातों को नहीं जानते, जो पास्ट होता है उनकी कहानी बाबा प्रेजेंट में सुनाते हैं, फिर फ्यूचर में रिपीट होगी। बड़ी समझने की बातें हैं, बड़ी रिफाइन बुद्धि चाहिए। बुद्धि यदि हद की बातों में उलझी रहेगी, मोटी बुद्धि होगी, ताला बंद होगा, तो ये सब बातें समझ में आएंगी। बाबा कहते हैं इसके लिए बहुत महीन, तीक्ष्ण, शार्प, रिफाइन बुद्धि चाहिए। कहाँ भी तुमको बुलाते हैं तो भाषण बच्चों को करना है। सन शोस फादर, बच्चे बताएंगे हमारा फादर कौन है। फादर तो जरूर चाहिए, नहीं तो वर्षा कैसे लेंगे। तुम तो बहुत ऊंचे से ऊंचे हो, परंतु इन बड़े आदमियों को भी मान देना पड़ता है। जो VIP हैं उनको तो मान सम्मान चाहिए। बाबा कहते हैं ऐसे तो तुम बहुत बड़े हो, क्योंकि डायरेक्ट भगवान के बच्चे हैं ना हम। तो बाबा कहते हैं लेकिन तुम्हें मान तो देना है, तुम्हें सबको बाप का परिचय देना है। सब गॉड फादर को पुकारते हैं, प्रार्थना करते हैं, हे गॉड फादर आओ, लेकिन वह है कौन। तुम्हें शिव बाबा की भी महिमा करनी है, श्री कृष्ण की भी महिमा करनी है और भारत की भी महिमा करनी है। शिव बाबा की महिमा बताओ, श्री कृष्ण की महिमा बताओ और भारत की महिमा बताओ। भारत शिवालय हेवन था, शिव बाबा आते हैं भारत में और देखो स्वर्ग स्थापन करते हैं। 5000 वर्ष पहले देवी देवताओं का राज्य था,
वह किसने स्थापन किया? जरूर ऊंचते ऊंच भगवान ने। ऊंचते ऊंच निराकार परमपिता परमात्मा शिवाय नमः हुआ। शिव जयंती भारतवासी मनाते हैं, परंतु शिव कब पधारे थे यह किसको पता नहीं है। जरूर हेवन से पहले संगम पर आया होगा। कहते हैं कल्प कल्प के संगम युगे युगे आता हूँ, हर एक युग में नहीं। अगर हर एक युग कहो तो भी चार अवतार होने चाहिए। चलो मान लो हर युग में आए तो चार बार अवतार लिया, उन्होंने तो कितने अवतार दिखाए हैं। ऊंचे से ऊंचा एक बाप है जो ही हेवन रचते हैं। भारत ही हेवन था, वॉइसलेस था। फिर तुम यह प्रश्न उठा नहीं सकते हो कि बच्चे कैसे पैदा होते हैं। दो ही प्रश्न होते हैं, यदि हम पवित्र हो जाएंगे तो वहाँ बच्चे कैसे पैदा होंगे। अभी पवित्र हो जाएं तो दुनिया चलेगी कैसे, और आप लोगों का खर्चा कैसे चलता है, ये दो प्रश्न हैं। बाबा कहते वह तो जो रस्म रिवाज होगी वह चलेगी, तुम क्यों फिक्र करते हो। पहले तुम बाप को तो जानो, वहाँ आत्मा का ज्ञान रहता है। हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, रोने की बात नहीं। कभी अकाली मृत्यु नहीं होती है, खुशी से शरीर छोड़ देते हैं। तो बाप ने समझाया है मैं कैसे रूप बदल कर आता हूँ। श्री कृष्ण के लिए नहीं कहेंगे, वह तो गर्भ से जन्म लेते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं सूक्ष्म वतन वासी। प्रजापिता तो जरूर यहाँ चाहिए, हम उनकी संतान हैं। वह निराकार बाप अविनाशी है, हम आत्माएं भी अविनाशी हैं, परंतु हमको पुनर्जन्म में जरूर आना है। यह ड्रामा बना हुआ है। कहते हैं फिर से आकर गीता का ज्ञान सुनाओ, तो जरूर सब चक्र में आएंगे जो होकर गए हैं। बाप भी होकर गए हैं फिर आए हुए हैं। कहते हैं फिर से आकर गीता सुनाता हूँ। बुलाते हैं पतित पावन आओ, तो जरूर पतित दुनिया है। सब पतित हैं तब तो पाप धोने के लिए गंगा स्नान करने जाते हैं। गंगा स्नान कर करके गंगा को ही मैला कर दिया, पाप धुल गए। स्वर्ग में यह भारत ही था, भारत है ऊंच अविनाशी खंड, सबका तीर्थ स्थान। ज्ञान गंगा में डुबकी लगाएंगे तब पाप धुलेंगे, है ना, तब विकर्म विनाश होंगे, क्योंकि ज्ञान से ही समझ में आता है कि बाबा से योग लगाना है। तो ज्ञान और योग, ज्ञान स्नान और योग अग्नि में तपना है, तब धुलेंगे पाप, है ना। तो बाबा कहते हैं कि भारत है ऊंच अविनाशी खंड, सबका तीर्थ स्थान। सब मनुष्य मात्र पतित हैं, सबको जीवन मुक्ति देने वाला वह बाप है। जरूर जो इतनी बड़ी सर्विस करते हैं उनकी महिमा गानी चाहिए। अविनाशी बाप का बर्थ प्लेस है भारत, वही सबको पावन बनाने वाला है। जाते हैं संगम पर स्नान करने, है ना, कि पावन बनेंगे, पाप धुलेंगे। संगम, आत्मा परमात्मा का जब संगम होता है, अभी संगम युग में मिलन होता है, तो आत्मा जब ज्ञान स्नान करती है, ज्ञान सागर में डूबी रहती है, ज्ञान सागर बाबा जो हमें कर्म सिखलाते हैं वो करती है, श्रीमत अनुसार चलती है, तब पावन बनती है, तब विकर्म विनाश होते हैं और आत्मा बन जाती है पावन। तो बाबा कहते हैं वही सबको पावन बनाने वाला है। बाप अपने बर्थ प्लेस को छोड़ और कहाँ जा न सके। देखो बाबा का फेवरेट है भारत, और कहीं नहीं जाएंगे बाबा। तो बाप बैठ समझाते हैं मैं कैसे रूप रचता हूँ। सारा मदार धारणा पर है, धारणा पर ही तुम बच्चों का मर्तबा है। सबकी मुरली एक जैसी हो नहीं सकती, भल काठ की मुरली सब बजाएं तो भी एक जैसी नहीं बजा सकते। बाबा की मुरली देखो सब अलग अलग तरह से समझते हैं, समझाते हैं, मुरली तो बाबा की है ना, तो सुनाते भी अलग तरीके से हैं, बच्चे समझते भी अपने अलग अलग तरीके से हैं, जिसकी जैसी बुद्धि जैसी धारणा।
उसी हिसाब से नंबर मिलते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो एक जैसी तो सब नहीं बजा सकते, हर एक की एक्ट का पार्ट अलग है। इतनी छोटी सी आत्मा में कितना भारी पार्ट है। परमात्मा भी कहते हैं हम पार्टधारी हैं, जब धर्म ग्लानी होती है तब मैं आता हूँ, भक्ति मार्ग में भी मैं देता हूँ। ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते हैं तो ईश्वर ही उनका फल देते हैं। सब अपने को इंश्योर करते हैं, जानते हैं इसका फल दूसरे जन्म में मिलेगा। भक्ति में जो करते आए उसका जन्म या और एक जन्म में फल, माना जो अभी जन्म है और जो अगला जन्म होगा एक जन्म और, तो भक्ति में जो करते आए उसका फल इतने में ही मिलेगा। लेकिन बाबा के पास जो डायरेक्ट इंश्योर करते हैं उसका फल 21 जन्मों के लिए, ये बाबा की गारंटी है। ऐसी गारंटी कोई भी इंश्योरेंस कंपनी दे नहीं सकती, कोई है तो बताओ। तो बाबा कहते कि ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते हैं तो ईश्वर ही उनका फल देते हैं। सब अपने को इंश्योर करते हैं, जानते हैं इसका फल दूसरे जन्म में मिलेगा। तुम इंश्योर करते हो 21 जन्मों के लिए, वह है हद का इंश्योरेंस इनडायरेक्ट, और यह है बेहद का इंश्योरेंस डायरेक्ट। वहाँ पर भगवान के नाम पर करते हैं और यहाँ पर डायरेक्ट भगवान आया हुआ है। तुम तन मन धन से अपने को इंश्योर करते हो फिर अथाधन पाएंगे। अथाधन कब मिलेगा? जब अपनी BMW बाबा के पास पार्क करेंगे तब। क्या होगा? एवर हेल्दी वेल्दी बनेंगे। तुम डायरेक्ट इंश्योर कर रहे हो। मनुष्य ईश्वर अर्थ दान करते हैं, समझते हैं ईश्वर देगा, वह कैसे दिलाते हैं या थोड़ी समझते हैं। बाबा किसके थ्रू कब कैसे देंगे किसी को नहीं पता। मनुष्य समझते हैं जो कुछ मिलता है ईश्वर देता है, ईश्वर ने बच्चा दिया, अच्छा देते हैं तो फिर लेंगे भी जरूर। तुम सबको मरना जरूर है, साथ कुछ भी तो नहीं जाएगा, यह शरीर भी खत्म होना है, इसलिए अब जो इंश्योर करना है वह करो, फिर 21 जन्म इंश्योर हो जाएंगे। ऐसे नहीं कि इंश्योर कर और सर्विस कुछ भी ना करो, यहाँ ही खाते रहो। अपना मान लो सफल कर लिया और फिर सेवा नहीं कर रहे हैं तो फिर मिलेगा? वो तो आपने जो दिया और फिर वहीं खा रहे हैं यज्ञ में, सेवा कुछ नहीं कर रहे हैं तो कैसे जमा होगा? वो तो अपने ही ऊपर खर्च हो गया ना। तो बाबा कहते हैं सर्विस तो करनी है ना, तुम्हारा खर्चा भी तो चलता है ना, इंश्योर कर और खाते ही रहते तो मिलेगा कुछ नहीं। मिले तब जब सर्विस करो तो ऊंच पद भी पाएंगे। जितना जो जास्ती सर्विस करते हैं उतना जास्ती मिलता है, थोड़ी सर्विस तो थोड़ा मिलेगा। बाबा भी देखो पक्का है, भोला भंडारी है लुटाता है ना, एक का कितना पदम गुना देता है, लेकिन पक्का व्यापारी भी है बाबा। तो बाबा कहते हैं थोड़ी सर्विस तो थोड़ा मिलेगा। गवर्नमेंट के सोशल वर्कर भी नंबरवार होते हैं, उनके बड़े बड़े हेड्स होते हैं, अनेक प्रकार के सोशल वर्कर्स हैं। वह है जिस्मानी, तुम्हारी है रूहानी सर्विस। हर एक को तुम यात्री बनाते हो, यह है बाप के पास जाने की रूहानी यात्रा। बाप कहते हैं देह सहित देह के सब संबंधों को और गुरु गोसाई आदि को भी छोड़ो, संबंधियों को भी और जो भी गुरु किए हैं सबको बुद्धि से छोड़ दो। मामेकम याद करो, परम पिता परमात्मा निराकार है, साकार रूप धारण कर समझाते हैं। कहते हैं मैं लोन लेता हूँ, प्रकृति का आधार लेता हूँ, तुम भी नंगे आए थे, अब फिर सबको वापस जाना है। सब धर्म वालों को कहते हैं मौत सामने खड़ा है, यादव कौरव खलास हो जाएंगे। यादव भारत से बाहर रहने वाले, यूरोप अमेरिका वाले, अन्य खंड वाले, कौरव जो भारत में ही रहकर बाबा को नहीं जानते, बाकी पांडव बाबा के बच्चे फिर आकर राज्य करेंगे।
यह गीता एपिसोड रिपीट हो रहा है। पुरानी दुनिया का विनाश होना है। 84 जन्म लेते लेते अब यह ओल्ड हो गया है। 84 जन्म पूरे हुए, नाटक पूरा हुआ, अब वापस जाना है। शरीर छोड़ घर जाते हैं, एक दो को यही स्मृति दिलाते हैं, अभी वापस जाना है। अनेक बार यह पाठ बजाया है 84 जन्मों का। यह नाटक अनादि बना हुआ है। जो जो जिस धर्म वाले हैं उनको अपने सेक्शन में जाना है। जो देवी देवता धर्म प्रायः लोप हो गया है उनके लिए सैपलिंग लग रही है। जो फूल होंगे वह आ जाएंगे। अच्छे अच्छे फूल आते हैं, फिर माया का तूफान लगने से गिर पड़ते हैं, फिर ज्ञान के संजीवनी बूटे मिलने से उठ पड़ते हैं। बाबा के बच्चे बाबा को छोड़कर भी चले जाते हैं, मिलन मनाने के बाद भी छोड़ देते हैं, मूर्छित हो जाते हैं, लेकिन फिर थोड़ा ज्ञान सुनेंगे, बाहर से फिर परेशान होंगे, फिर ज्ञान सुनते हैं, फिर संपर्क में आते हैं तो संजीवनी बूटी जैसे कि मिल जाती है, सुरजीत हो जाते हैं। बाप भी कहते हैं, तुम शास्त्र पढ़ते आए हो, बरोबर इनके गुरु आदि भी थे। बाप कहते हैं, गुरुओं सहित सबकी सदगति करने वाला एक ही है, बाबा है ना सदगुरु। एक सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति। राजा रानी तो प्रवृत्ति मार्ग हो गया, वॉइसलेस प्रवृत्ति मार्ग था, अब संपूर्ण विशेष है। पहले निर्विकारी और अभी विकारी। वहां रावण का राज्य होता नहीं, रावण का राज्य आधा कल्प से शुरू होता है। भारतवासी ही रावण से हार खाते हैं। सबसे पहले देखो, भारतवासी ही रावण से हार खाते हैं, क्योंकि और खंड तो थे ही नहीं ना, तो सब तो हमको फॉलो कर रहे हैं ना। किसने चालू की सब गलतियां? देवताएं वाम मार्ग में गए ना, तो जिम्मेवारी किसकी है? हमारी है ना, तो सुधारना है, बताना है सबको। बाकी और सब धर्म वाले अपने अपने समय पर सतो रजो तमो से पास होते हैं। पहले सुख फिर दुख में आते हैं। मुक्ति के बाद जीवन मुक्ति है ही। इस समय सब तमो प्रधान जर्जरी भूत है। हर आत्मा एक शरीर छोड़ फिर दूसरा नया शरीर लेती है। बाप कहते हैं, मैं जन्म मरण में नहीं आता हूँ, मेरा कोई बाप हो नहीं सकता। बेहद के बाप का भी कोई बाप है? नहीं है। और सबको तो बाप है, बापों का बाप, बापू जी का भी बापू, बेहद का बापू शिव बाबा। तो श्री कृष्ण का भी जन्म माँ के गर्भ से होता है। यही ब्रह्मा जब राज्य लेंगे तब गर्भ से जन्म लेंगे। इनको ही ओल्ड से न्यू बनना है, इनको ही ओल्ड से न्यू बनना है। 84 जन्मों का ओल्ड है। मुश्किल कोई को यथार्थ बुद्धि में बैठता है और नशा चढ़ता है। यह कस्तूरी नॉलेज है खुशबूदार, यह कस्तूरी नॉलेज है खुशबूदार। कस्तूरी कहाँ होती है? जो मृग होता है, हिरन होता है ना, उसकी नाभि में होती है, और उसकी खुशबू उसको आती रहती है और वो भागता है इधर उधर। देखो बाबा ने बताया, हमारा स्वधर्म है शांत, और हम शांति के लिए भागते हैं इधर उधर। अभी हमें सत्य ज्ञान मिल गया है, फिर भी जा रहे हैं इधर उधर। श्रीमत मिल रही है, फिर भी मनमत परमत। स्वचिंतन के बजाय करते हैं हम परचिंतन। तो ये ज्ञान रूपी चंदन है हमारे पास, ये कस्तूरी ज्ञान है हमारे पास। तो इसकी खुशबू हमें लेते रहना है, खुशबू में ही रहना है, तब चढ़ेगा नशा। वो नशे के लिए क्या क्या सूंघते हैं ना, तो हमें क्या करना है? इस खुशबूदार कस्तूरी नॉलेज के नशे में रहना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो देखो बाबा ने बाहर की गंदगी से, बाहर की बदबू से बचने का कितना अच्छा उपाय बताया। ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है।
धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला रूहानी सोशल वर्कर बन, सबको रूहानी यात्रा सिखानी है, अपने देवी देवता धर्म की सैपलिंग लगानी है, अपनी रिफाइंड बुद्धि से बाप का शो करना है। दूसरी बात बाबा कहते, अपनी रिफाइन बुद्धि से बाप का शो करना है, पहले स्वयं में धारणा कर फिर दूसरों को सुनाना है। वरदान है, वाचा के साथ मनसा द्वारा शक्तिशाली सेवा करने वाले सहज सफलता मूर्त भाव, वाचा के साथ मनसा द्वारा शक्तिशाली सेवा करने वाले सहज सफलता मूर्त भाव। बाप दादा कहते, जैसे वाचा की सेवा में सदा बिजी रहने के अनुभवी हो गए हो, ऐसे हर समय वाणी के साथ साथ मनसा सेवा स्वतः होनी चाहिए। फल भी था ना, डबल फल प्राप्त करना है तो मनसा और वाचा सेवा एक साथ हो। तो हर आत्मा के लिए शुभ भावना, शुभ कामना और फिर वाणी से सेवा करनी है। तो मनसा सेवा अर्थात हर समय हर आत्मा के प्रति स्वतः शुभ भावना और शुभ कामना के शुद्ध वाइब्रेशन अपने को और दूसरों को अनुभव हो। मन से हर समय सर्व आत्माओं के प्रति दुआएं निकलती रहे। विश्व कल्याणकारी है ना हम, तो सबके प्रति दुआएं निकले। तो मनसा सेवा करने से वाणी की एनर्जी जमा होगी और यह मनसा की शक्तिशाली सेवा सहज सफलता मूर्त बना देगी। मनसा सेवा कौन कर सकते हैं? जो योग युक्त होंगे, जिनका मन बहुत हल्का है, जो डबल लाइट हैं, तो योग युक्त हैं तो शक्तिशाली तो होंगे ही, और शक्तिशाली होकर सेवा करेंगे तो सफलता तो मिलनी ही मिलनी है। स्लोगन है, अपनी हर चलन से बाप का नाम बाला करने वाले ही सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार हैं। अपनी हर चलन से बाप का नाम बाला करने वाले ही सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार हैं। हम खुदा के क्या हैं? साथी सहयोगी बच्चे हैं, है ना? रूहानी सेवा पर हैं। क्या सेवा करनी है? खाली उच्चारण से नहीं, आचरण से, हमारे हर कर्म से, बोल, हमारे संकल्प, बोल, कर्म सब एक होने चाहिए। क्या देखे? इनको पढ़ाने वाला सच में भगवान है। तो ऐसे हमें बाप का नाम बाला करना है, बाप के समान हमारा चरित्र हो। साकार में ब्रह्मा बाबा और निराकार में शिव बाबा को फॉलो फादर करना है, बाप का नाम बाला करना है चलन से, अपने व्यवहार से। तो ये थी आज की मुरली। रिवाइज करने के लिए पॉइंट्स हैं, पहला तन मन धन इंश्योर करना है, BMW। दूसरा रिफाइन बुद्धि से इस गहरे ज्ञान को, गुह्य ज्ञान को समझना है, एक एक पॉइंट को समझकर ज्ञान स्वरूप धारणा मूर्त बनना है। तीसरा खुशबूदार कस्तूरी, ये नॉलेज क्या है, खुशबूदार कस्तूरी। लोग क्या करते हैं? इत्र लगाते हैं, परफ्यूम लगाते हैं, है ना? मजा तो तब है कि जब चरित्र से खुशबू आए। और चरित्र कैसे बनेगा? जब हम विचित्र के साथ रहेंगे, खुद को विचित्र समझ कर रहेंगे कि मैं आत्मा हूँ, चित्र नहीं। हाँ, मैं आत्मा इस चित्र में हूँ, शरीर नहीं है। हम समझते हैं हम शरीर हैं, मैं विचित्र आत्मा इस चित्र में विराजमान। और फिर चरित्र कैसा हो? बाप जैसा। तो सदा खुशबूदार कस्तूरी नॉलेज के नशे में रहना है। चौथा मनसा वाचा सेवा साथ साथ करनी है, हर एक आत्मा के लिए शुभ भावना, शुभ कामना। और पांचवा सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार कौन कहलाएगा? जिसका चलन होगा बाप समान, तब कर पाएंगे हम बाप का नाम बाला। ओम शांति।
लगती प्यारी